अब तक आपने कई युवक युवती परिचय सम्मेलन देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा युवक युवती परिचय सम्मेलन जिसमें फिल्म अभिनेत्री ने अपने आप को समाज के मंच पर प्रपोज किया और यह कहा कि उनको कैसा वर चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए उसमें। और इससे अभिभूत होकर एक युवक के पिता ने उनके सामने जो फिल्म अभिनेत्री थी उनको रिझाने के लिए किस तरह से डायलॉग सुनाए मंच पे ही, और किस तरह से उनके सामने गाने सुनाए, किस तरह की कवायद हुई और किस तरह से यह परिचय सम्मेलन हुआ, क्या कहा परिचय सम्मेलन में आने वाले युवक युवतियों ने, फिल्म अभिनेत्री ने और उस युवक के पिता ने जिसके लिए फिल्म अभिनेत्री को रिझाने के लिए उनको ये सब करना पड़ा। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर में कलाल कलवार कलार समाज का सामूहिक युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ और इस अवसर पर जो आप देख रहे हैं इस चित्र में फिल्म अभिनेत्री प्रीति चौक से भी आई, उन्होंने अपना परिचय दिया मंच पर। और मंच पर यूं तो राजनीति की बात भी हुई, सामाजिक बात भी हुई और सामाजिक सरोकारों की भी बात हुई। युवक युवतियों और प्रतिभाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसके लिए भी चिंतन हुआ, लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से देखें कि इस फिल्म अभिनेत्री ने किस तरह से अपने आप को समाज के मंच पर अविवाहित युवती के रूप में पेश किया और किस प्रकार अपना परिचय दिया। मेरा नाम प्रीति चौक से है, बेसिकली इंदौर से हूँ पर अभी मैं बॉम्बे रहती हूँ। मेरे पापा का नाम ओम चौक से है, मम्मी का नाम किरण चौक से है। मैंने एमकॉम किया है और मेरा प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ, एक्ट्रेस हूँ। और मैं बस मेरे फील्ड को सपोर्ट करें, अच्छी फैमिली हो, अच्छा लड़का हो, ऐसे ही सर्च करें। थैंक यू। मंच पर प्रीति के इस प्रकार परिचय देने से पूरे समाज में एक सनसनाहट फैल गई और हर महिलाओं में, हर पुरुषों में, हर युवकों में उत्सुकता जग गई कि प्रीति हमारी बहू बने। लेकिन रिकॉर्ड तो एक युवक के पिता ने ऐसा तोड़ा कि पूरे समाज के लोग उनके रिझाने की कला को देखते रह गए। अभी कश्मीर के अंदर शूटिंग कर रहा है तो मैं बार बार कहता हूँ बेटा शादी कर ले, बोले पापा घर लुभा यार, घर लुभा डॉट। तो मैंने कब करेगा ये तो बता, सब पूछते ये फायर कभी शादी हुई, सूर्य पूछते कभी शादी हुई। तो अभी जब प्रीति जी ने आदरणीय मुखर्जी से बात कही और मेरी पत्नी वो भी इसके लिए तैयार हुई, तो मैंने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं है। मैं अभी शाम को बात कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसी ही लोगों की तरह से वो अच्छा पापा यहाँ की लोकल लड़की आप शादी करा दो, मैं छुट्टी में जाता हूँ वो पता लगा मैं 20 दिन से आ रहा हूँ। फिर आप रोज फोन करेंगे कि पापा तो छुट्टी में अभी तक नहीं आए, तो मेरे कहते प्रीति अच्छी तरह समझ सकती है। रेस्टोरेंट ने चाहा अगर भगवान की मेहरबानी हुई तो मैं आज ही शाम से बात करूँगा प्रीति जी, आप कृपया यही होंगे आप सर मेहमान आप अपने बेटे
होने वाली रोह देख रही है ये ससुर रोज सुबह उठ के मंदिर सुनाएगा, सासू सुनाई नहीं सुनाए ससुर जरूर सुनाएगा। बहुत अच्छे धन्यवाद प्रशांत जी। इनकी दिक्कत ये है सब अपने आप को बड़ा समझते हैं। सोहल का कहते हैं हम बड़े, जायसा भी उत्तर प्रदेश कहते हैं हम बड़े, पंजाब में हर जगह कहेंगे हम बड़े, और इसी चक्कर में ये एक नहीं हो पाए आज तक। अरे वह सांबा इन पूरे 13 करोड़ में कितने MLA MP है, सदा मुश्किल से 10-15, बहुत बेहन छापी है, बहुत बेहन छापी जनता 13 करोड़ और MLA MP सिर्फ 10 और 20, बहुत बेहन छापी है। सभी करार भाइयों इंतजाम से कान खोल के सुन लीजिए, अगर गब्बर को पता चला अब तुम सब एक मंच के आग पर, और अगर 200-300 MLA खड़े ठीक है तो गब्बर पूरी सजा देगा पूरी। तो आपने देखा कि किस तरह से रिजाने का दौर हुआ और किस किस तरह से ये कवायदें इन्होंने पूरी की। अब प्रीति ने क्या कहा वो भी देखें। मैं भगवान सस्ते बाबू जी पे ये मूवी बना रहा हूँ, फिल्म और सीरियल 2 घंटे 15 मिनट की मूवी है और 200 एपिसोड का सीरियल है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार हमें समाज के कलाल सुमन तलवार जी सस्ते बाबू जी का रोल कर रहे हैं। ये प्रीति चौकसे जी मेरी नादर है और ये उनकी महारानी का रोल कर रहे हैं। तो समाज को मैं बहुत बहुत उदयपुर समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ उदयपुर देने वाला है, लेकिन उदयपुर से लेने वाली भी यहाँ पर है कि क्या आप यहाँ पे आई हैं, आपका परिचय दें और क्या उदयपुर से कामना करते हैं। वैसे आपने अपना परिचय भी यहाँ पर दिया है और क्या भावना है आपकी यहाँ पर उदयपुर? मैंने जैसा सुना था वैसा ही आपका परिचय। मेरा नाम प्रीति चौकसे है, मैं फिल्म अभिनेत्री हूँ, और मैंने जैसे सुना था कि उदयपुर में बहुत संस्कार है, बहुत मान सम्मान मिलता है राजस्थान में, वो आज सिद्ध भी हुआ जो मैंने कहा मंच पर, और मैंने खुद अपना परिचय भी दिया है मंच से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हमारा समाज संगठित है, लोग आगे होकर काम कर रहे हैं। यूँ तो फिल्मों में एक वो होता है अभिनय, और अभिनय कभी सत्य नहीं होता ऐसा फिल्मों में कहा जाता है, लेकिन आज यहाँ पर मंच पर आपने जो अभिनय किया है परिचय देने का, वो इसका उसकी सत्यता भी है। सोनलाल जी ने इस पे की है, आपकी क्या भावना है, क्या भावना? बड़ा अच्छा लगा, और इस यहाँ पर सभी तरह के यहाँ पर आए, फिल्मी दुनिया से भी आए, और जब प्रीति का जब परिचय हुआ तो मेरा भी बेटा 32 साल का, मैं बार बार जो बेटा शादी के लिए बता, बोले पापा कर लूँगा तो जैसे ही प्रीति ने बताया कि मैं भी कुंवारी हूँ और फिल्म लाइन से हूँ, तो मुझे दबाग से मुझे इच्छा हुई कि मैं तुरंत मैंने भी अपना बेटे का परिचय दिया, और मैंने भी मुकेश से बात हो गई है, प्रीति को फोटो दिखा दिया है, और क्या पता भगवान ने चाहा तो इस मंच का फायदा मिले और शायद प्रीति हमारी उदयपुर की बहू बने, ऐसी कामना करता हूँ। और सभी टीम आयोजक हमारे नरेश जी और पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, आपका भी आशीर्वाद किया। सोनलाल जी ने भावना व्यक्त की कि आप उदयपुर की बहू बने, क्या 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 कहना है आपका? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मैं समाज में ही शादी करना चाहती हूँ, तो अगर मुझे सब अच्छा लगा और उन्हें भी मैं अच्छी लगनी चाहिए तो श्योर कर सकते हैं। बेटे का फोटो दिखा दिया और प्रीति का फोटो भी भेज रहा हूँ। काफ़ी यहाँ पर जो रिश्ते हैं मजबूत होने वाले हैं, और ये अभिनय अगर सत्य साबित हो जाता है तो फिल्मों में की बातें भी सत्यता पर आ जाएगी। आप बताएं कि अखिल भारतीय कलाल कलवार और कलार समाज का सम्मेलन हो रहा है राष्ट्रीय जिलों की नगरी उदयपुर में, और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे सम्मेलन के दौरान जो जोश इस समाज में देखा गया है, आज युवक युवती परिचय सम्मेलन भी हुआ है और कई मुद्दों पर समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए चर्चाएं भी हुई हैं, खासी मस्कत भी हुई है कि समाज को किस तरह से आगे बढ़ाए, समाज के युवक युवती हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ में, आप बताएं सर किस तरह से यह आज सब सारी चर्चाएं हुई हैं और क्या निचोड़ निकल कर आया है? जी निचोड़ हमारे आज की सभा बहुत सफल रही जी, जिस मकसद से हम लोगों ने किया था सब सभा वो सब परिपूर्ण हुआ और बहुत ही अच्छा सहयोग मिला सभी का,
सभी मेहमानों का भी और आयोजन समिति का भी और कार्यकारिणी के सदस्यों का। आप बताओ सर, राजस्थान के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और क्या कहना है आपका, किस तरह से यहाँ पे रहा है? राजस्थान के जिलों की नगरी उदयपुर में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग एवं हमारे पूरे भारत से कोने कोने से आए हुए पदाधिकारीगण ने आज ये शपथ ली है। हम पूरे भारत के अंदर एक नया परचम फैलाएंगे और उदयपुर से इसकी शुरुआत होगी, जिसके अंदर हम कलाल शब्द को बड़ी ऊर्जा के साथ कहेंगे। और उसके अलावा इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य मुद्दा हमारा यही है, सभी समाज बंधु को कलाल शब्द लगाया जावे, जिससे एकता का परिचय जावे और हमारी संख्या ज़्यादा में होते हुए कम नजर आए। इस पूरी बैठक में युवाओं में बड़ा जोश दिखा, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, युवा जब समाज से जुड़ता है तो अलग ही ऊर्जा मिलती है। और हमने हमारे आज केंद्रीय नेतृत्व से मांग की है कि उदयपुर के समीप 17 किलोमीटर दूर जो हमारा सहस्त्रबाहू का मंदिर है, उसमें सहस्त्रबाहू जी की प्रतिमा नहीं है, उसका शाब्दिक अपभ्रंश होकर उसे सासबाहू का मंदिर कहा जाता है, उसे सहस्त्रबाहू का पुनः दर्जा दिलाया जाए। उन्होंने मंत्री जी ने जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्रीय पुरातत्व विभाग से बात कर वो मांग जरूर पूरी की जाएगी। और नगर निगम में हम बहुत जल्दी एक सहस्त्रबाहू चौराहा यहाँ पर सवीना सर्कल को घोषित करने की मांग रखने वाले हैं, जिसमें हमारे समाज के जो 4-5 पार्षद हैं वो पूरा सहयोग करेंगे और उदयपुर में पूरा कलाल समाज का एकजुटता नजर आएगी। बहुत ही जोश और जज्बा दिख रहा है, आप बताएं क्या कहना है आपका? योग युवतियों ने जिस तरह से परिचय दिया है, क्या कहना है? युवक युवतियों ने इतना शानदार आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है, राजस्थान के प्रभारी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि आज हमारा राजस्थान गौरवान्वित है, आज मेरा उदयपुर गौरवान्वित है। और आज हमारे इस मंच पर लगभग सभी जाति जो उपनेम लगाते हैं वो सभी वर्ग यहाँ पर उपस्थित रहे और सब ने एक स्वर में कहा कि हम एकता के साथ अपने नाम के आगे कलाल लगाएंगे। और जो युवक युवतियों का परिचय आज सम्मेलन हुआ है उसमें हम गौरवशाली बात ये रही कि हमारे यहाँ बीच में हमारे समाज की नेत्री सितारा ने भी अपना युवती मतलब उसने भी परिचय दिया, तो बहुत ही बेहतर आज हमारा कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं उदयपुर वासियों को और राजस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से यह सम्मेलन हुआ है, क्या कहना है आप भी पदाधिकारी लंबे समय से रहे, समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया है, आपने आज का सम्मेलन इस बात का साक्षी है कि हम समस्त कलाल वर्ग के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और बिखरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान के हमारे लगभग 12 करोड़ व्यक्ति हमारे समाज के हैं, कोई जैसा लगाता, कोई चौक से लगाता, कोई सीवर लगाता है और कोई मेवाड़ा सवाल का टाक इस बार सी राय हरे, हिंदुस्तान के हम कई वर्ग में बिखरे हुए हैं। आज हमने शपथ ली है हम हर व्यक्ति सबका एका होना चाहिए। हमारे साथ में महिला जो यहाँ पे है प्रभारी है, आप बताएं जिस तरह से महिलाओं में और युवाओं में, युवक और युवतियों में विशेष करके आज जोश और दिखा है, अपना परिचय भी उन्होंने अच्छी तरह से दिया है। बिल्कुल, जोश दिखा है युवाओं में और हम यही अपेक्षा रख के हमने ये प्रोग्राम किया है कि उनका जोश दिखे और हमारी अपेक्षा फूल पे वो खरे उतरे हैं और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने अपना परिचय दिया और यहाँ पे हमारी भारी उसमें मतलब और संख्या में वो आए और उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ पर हमारे साथ में फिल्म निदेशक भी हैं और काफ़ी ऊर्जावान हैं, आप बताएं अपना परिचय और क्या कहना है इस पूरे आयोजन को देख के? ऐसा है कि उदयपुर में ये जो आयोजन किया है समाज ने, कलाल समाज ने मिलकर जो किया है, बहुत बड़ा आयोजन है और सक्सेसफुल आयोजन है, ऐसा आयोजन मैंने नहीं देखा है। और यहाँ पर सारे जो आयोजनकर्ता थे, अपने सूरज प्रकाश जी, अपने चंपालाल जी, मेवाड़ा जी, चंपालाल जी, सुशील जी और बाकी सब जो संगठन पूरा इनका जो ग्रुप है तगड़ा ग्रुप है। किस तरह की खुशी हो रही है आपको? देखो सर, ऐसा है जी, पहली बात सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है मुझे, उदयपुर की धरा से जो अलग अलग वर्ग थे उसकी विशेष तौर से संदेश जाएगा अखिल भारतीय में पूरे समाज में अखंडता में एकता है, अखंडता में एकता का संदेश लगा है आपको इस सम्मेलन से? मैं नरेश पुरविया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कलवार कलाल कलाल महासंघ। आज हमारा पिछले एक महीने की जो
तैयारियां चल रही थी उसको हमने आज सुहालका भवन उदयपुर में हमने मुहूर्त रूप दिया और हमारा आज ये परिचय सम्मेलन अति विशिष्ट सम्मान समारोह बहुत अच्छी तरह से हमारी जो आशा थी उससे भी बहुत अच्छा आयोजित हुआ। हमारे सभी समाज बंधुओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, यहाँ तक कि सभी बैठने की समस्या अध्यक्ष होने के नाते सभी राजनीतिक पार्टियों से अगर हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारे को उचित प्रतिनिधित्व मिले सभी पार्टियों से, नहीं मिलने पर हम उसका बहिष्कार करेंगे इस बार जरूर। जी बताएं, जिस तरह से योग युवतियों ने परिचय दिया है कितने योग युवतियों ने यहाँ पे भाग लिया? आज हमारे परिचय सम्मेलन में करीब 250 प्रतिवेदन आए और उसमें से 60 प्रतिभागी थे जो मंच पर आकर के उन्होंने अपना परिचय दिया और हमने उनको ब्लूटूथ स्पीकर उपहार स्वरूप भेंट किया। हमारे पास में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय कई प्रतिभाओं ने हमारे बीच में आकर के यहाँ पे सम्मान प्राप्त किया। खुशी हो रही है जब यहाँ पर सम्मान मिलता है और जिस टीम ने इतना सम्मान मिलने से पहले ही इतना सहयोग किया है समाज को, ये टीम आप देख रहे हैं महिलाओं की पूरी तरह से मंच पर दौड़ दौड़ के और ये काम कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे समाज का और इनकी बदौलत, इस टीम की बदौलत आज ये सफलता मिली है समाज को। आप बताओ क्या कहना है? मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी हमारे बाहर से पदाधिकारी जी पधारे हैं और मैं गायत्री जी चौधरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिलवाया है और शास्त्र भाव नारी शक्ति की तरफ से मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप बताओ कितनी खुशी हो रही है? ओवरऑल आज जो परिचय सम्मेलन हुआ बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और आज का परिचय सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह पहले भी हुआ था वो भी क्या अच्छा लगा परिचय सम्मेलन? जो बच्चों ने जो मतलब स्टेज पर आके और अपने अपने मतलब परिचय दिया वो आश्चर्यजनक था। कभी भी इस तरह से कभी भी कोई भी बच्चे आके और नहीं देते थे परिचय, लेकिन आज बहुत सारे बच्चों ने दिए। आप बताओ आपका क्या? बहुत ही अच्छे लेवल का परिचय सम्मेलन हुआ, बहुत ही बड़े बड़े दिक्कत भी आए और बहुत ही आनंद लिया इस प्रोग्राम का। और लड़कों लड़की इतना भव्य और इतना सफलता पूर्वक अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारी सर्वर की कला संगिनी महिला मंडल की अध्यक्ष हमारी मंजू जी पूरे एक दिन से अच्छे से हमारी सब महिलाएं लगी सभी बहनों ने बोली दिया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। परिचय सम्मेलन इतना जोर रहा था, बच्चों को इतना एक्साइटमेंट, 5:15 तक हमारे पास परिचय की एंट्री आ रही थी कि हमें परिचय देना। चंदा जी क्या कहना? आज हमारा समाज का प्रोग्राम बहुत सफलतापूर्वक हुआ। आज जो परिचय सम्मेलन था उसमें कभी भी लड़के लड़कियाँ खुलकर नहीं बोलते, पर आज उन्होंने बहुत खुलकर बोला और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं सभी अतिथि को और समाज के जितने आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ही मेहनत कस देवलाल जी, आप बताओ क्या कहना है? भाई साहब आज जो कार्यक्रम हुआ है इसमें जो हमारे सूर्य प्रकाश जी के नेतृत्व में और हरि जी भाई साहब और केला जी भाई साहब के नेतृत्व में जिस टीम ने काम किया है वो अथक प्रयास है और ऐसे आयोजन हमेशा समाज हित में समाज को आगे बढ़ाने के लिए होते रहने चाहिए। और विशेषकर हमारी महिला साथियों का भी धन्यवाद अर्पित करूँगा जिन्होंने तन मन से यहाँ आज पूरा दिन और पिछले कई दिनों से हमारे साथ में सहयोग कर रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये कह रहा हूँ सच्ची समाज सेवा वही है जो बिना पद से काम करता है, बिना पद से बिना निस्वार्थ भाव से समाज के हित में काम करता है वही सच्ची समाज सेवा। वही समाज में एक जब ना काम करता है, परिवार से एक व्यक्ति काम करता है और कोई जोड़े से काम करता है और ये जोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, राणा भाई हैं और इनके धर्मपत्नी जी हैं। आप बताओ आपने जिस तरह से सहयोग किया है और साकार सफलता मिली है, आप बताओ क्या कहना है? बोलो जी। दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने 15 दिन में ये परिचय सम्मेलन सफल बनाया है। आप बताओ इस प्रोग्राम को देखते हुए हम समाज को आगे बढ़ाते हैं, यही हमारी सोच रहती है कि समाज आगे से आगे बढ़े और सब समाज को जोड़ने के लिए हम दे देते हैं। इसके लिए 4-5 दिन लगे इस समाज को इकट्ठे करने में। क्या है आपका?
आज अखिल भारतीय कलवार कलाल कलार महासंघ का परिचय सम्मेलन था और उसको एक महीने से तैयारी चल रही थी और आज वो फाइनल डे आया और आज बहुत अच्छे से कम 50 से 60 बच्चों ने स्टेज पर आकर के अपना परिचय दिया और 200 से 250 के करीब हमारे पास परिचय सम्मेलन के लिए फॉर्म आए हैं। अब वो फॉर्म आए हैं उसके लिए हमें एक पुस्तिका छपेगी और आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा परिचय सम्मेलन का और बाहर से सभी दोस्तों को कैसा लगा आज का परिचय सम्मेलन? वाकई में एक ऐतिहासिक परिचय सम्मेलन था राजस्थान की धरा में उदयपुर में जिलों की नगरी में। यह बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। ये अखिल भारतीय कलवार कलाल कलाल महासभा का महासंघ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। परिचय सम्मेलन सक्सेसफुल रहा और बहुत अच्छा लगा। बच्चे सभी बच्चे 100% ऊपर आए हैं और सबसे बहुत हमारी शक्ति की मैं चार्टर अध्यक्ष हूँ और हमारे सभी 7-8 वक्त के सभी मेंबर्स इसके अंदर जुड़ी हुई है। 60 मेंबर्स है और हम ये भी हमारे क्लब चल रहा है। यहाँ पे संगठन है, सब समाज का मिलकर संगठन है और बहुत ही अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम बहुत 100% सक्सेसफुल रहा है। आदमी 30 साल से MLA है, वो खुद अपनी तमन्ना पूरी नहीं कर सका। मैंने जगन्नाथ जी बैठो मेरी गाड़ी में, एक महीने में तुम्हारा पंप अलॉट होगा। हमें अपने नेताओं का भी सम्मान करना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, हमें वर्तमान को मजबूती के साथ जीना चाहिए जो भविष्य आपका अच्छा बन सके। 40 बताइए, 40 है तो 400 बताइए, लेकिन राज में जुड़ जाइए, राज में शामिल हो जाइए, संगठन बनाइए। 40-40 लाख लोगों की आबादी रखने वाला जैन समाज भारत का समृद्ध और प्रमुख समाज है, राजनीतिक तौर पर मजबूत समाज है। हम कहाँ खड़े? मैं पूर्वी राजस्थान में गया विश्नोई समाज के कार्यक्रमों में, विश्नोई जो ने मुझे आमंत्रित किया, मैं 6 जिलों में घूमा, मैंने देखा गांव है, कस्बा है, तहसील है, सब जगह राजनीतिक प्रतिभागिता, राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मैं उस सारे स्वरूप को देखता हूँ, फिर अपनी बिरादरी को देखता हूँ, अपने पैरों की तरफ देखता हूँ तो कमजोर हो जाता हूँ। मुझे लगता है मेरे समाज में बहुत ज्यादा काम करने लेकर के, क्योंकि आपने भी कुछ दिनों बाद एक और नए महासंघ के रूप में बदल जाए। बहुत हो लिया, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए। कई बार तो इतना गुस्सा आता है, वो नहीं आना चाहिए पर आता है कई बार कि क्या कर रहे हो आप लोग इतने सालों से, संघ बदल रहे हो, संगठन बदल रहे हो, आपके अंदर आपका जो अध्यक्ष हो, आप ऐसा अध्यक्ष ढूंढिए चुनिए जो हिमालय की तरह हो, यानी अपने ऊपर सारी बराबरी है। जिसका इंडिया बना हो उसके मन में हमेशा ये भाव नहीं कि मेरा संबंधी है, ये मेरा कोई और रिश्तेदार है, कि अच्छा बुरा इसका फैसला मुझे करना है, मुझे संबंधी को मंच पर नहीं बिठाना, मुझे मंच उस गरीब आदमी को बिठाना है जो बिरादरी के लिए काम करना है। ये भाव आपके अंदर भी कमानिए, इसलिए आप सरकार से जुड़े हुए व्यवसायों को अपनाने का काम करिए। बंधुओं, मैंने सरकार की नौकरियां भी कर दिया, नाराज भी हो गया, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, कुछ घाटे नुकसान भी हुए, पर मैंने निश्चय किया कि इस बिजनेस पर मुझे टॉप पर जाना है। मैंने अभी 100 करोड़ रुपए तो 16 कलाओं का जानकार होना चाहिए। कलाल है तो पहाड़ पे बिठा दो। मैं जब यहाँ आया था पूर्वी, हाँ वो भी MLA थे, को आगे की तरफ ले जाए और आपका कोई भी व्यक्ति बिरादरी का किसी भी पार्टी में किसी भी संगठन में कहीं भी राजनीति करता हो उस पर आप प्राउड करिए, उसकी बुराई मत करिए साहब, कहीं भी उस पर प्राउड करिए, उसके अच्छे कामों को बताइए और समाजों को, अगर कोई गलती है तो समझाइए, समझाइए। मैं अमूमन मेरे पर बहुत यहाँ बैठे हजारों लोग टेंट के नीचे वाले सभी लोग भी प्लीज तालियां बजा कर अभिवादन करें। बखूबी समाज की पूरी रूपरेखा आपने खींच दी मोहन सिंह जी आलोदर साहब, समाज आपका ऋणी। Then I did a job in as assistant pro
वंस अगेन नमस्कार सभी को। मेरा नाम ऋचा पटेल है, मेरे पिताजी का नाम मनोहर पटेल है, माताजी गायत्री पटेल है। मैं लुधावरा गोत्र से हूँ। फिलहाल मैं हूँ बांसवाड़ा से, लेकिन फिलहाल उदयपुर में ही जॉब करती हूँ। द फर्न रेजिडेंसी में एज अ एचआर मैनेजर। 32 साल की हूँ। सो कोई हो ऐसा योग्य जो मुझे पसंद कर सके तो प्लीज आना। साक्षी जी चौहान और सुशील। मेरा नाम नेहा चौधरी है, मेरे पापा का नाम लोकेश चौधरी है एंड माय मदर नेम इज ज्योति चौधरी। मैं 22 ईयर ओल्ड हूँ एंड मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। आपको ब्लूटूथ स्पीकर में इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोगों को हम पसंद नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? बाकी हम तो आप लोगों को सुनने के लिए। देवी डांगे, मैं रेलमुरा की रहने वाली हूँ। मैंने एम ए बी एड कर रखा है और मैं डाइवर्स हूँ। असुविधा तो चलेगा। नेक्स्ट नेम प्लीज। सुरभि स्वालका है, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम बनवारीलाल स्वालका है और माता का नाम हमका स्वालका है। आई हैव डन माय बीटेक ग्रेजुएशन विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग विद अमेजोन एंड मैंने खुद का अपना एक स्टार्टअप क्रिएट किया था, दैट वॉज अ कंसल्टेंसी इन विच आई वॉज इन हेड एच आर। And currently I'm working with the Synonic, which is in Jaipur, and I'm a software engineer in that one. And one more thing I want to say that I'm literally inspired. Samaj ke saare bade logo ko dekhke main bahut inspired hu. And I had a dream that one day I want to make my parents feel proud. So kabhi mujhe agar yahan pe bulaya jaye to mere mata pita ke naam se mujhe jana jaye. Thank you. मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। मैंने पढ़ाई में बीए किया हुआ है और अभी मैं करंटली जो एरोनॉटिक सॉफ्टवेयर में करता हूँ। आई एम रिसर्च एंड एनालिटिक एंड एचआर डेवलपमेंट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा नाम अर्पित जायसवाल है। मेरे पापा का नाम हसमुखलाल जायसवाल है, मेरे माता जी का नाम शर्मिष्ठाबेन जायसवाल है। मैंने एमटेक किया हुआ है और मैं अहमदाबाद में मशीन विजन इंजीनियर का जॉब करता हूँ। आपके ये जो फेस है वो इतना डिफिकल्ट है, इतना टफ है। मैं इतना सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ही उनकी एज हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, प्लीज उसे फोर्स मत करिए। जितना फोर्स करेंगे उतना ही उसकी लाइफ खराब होगी और उसके बाद में यही बच्ची या बच्चा बोलता है आपकी वजह से मेरी लाइफ खराब होगी। ये नहीं होना चाहिए। टाइम दो उसे सोचने के लिए। वैसे भी मोदी जी एज बढ़ा रहे हैं लड़की की, वो भी अब 21 या 23 साल के अंदर आराम से शादी कर सकेंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बता ओके। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। मेरा नाम सावन कलाल है, मैं गवर्नमेंट एलजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर लेक्चरर हूँ और मेरी माता का नाम है विमला देवी और पिताजी का नाम है गणेशलाल जी कलाल। फिलहाल मैं अहमदाबाद में बसरापुर में रह रहा हूँ। मेरी जो अचीवमेंट है उस रिस्पेक्ट में बोलूंगा कि फिलहाल लेक्चरर हूँ लेकिन एस्पिरेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन होने वाला है और मैं भी ज्वाइनिंग आ जाए। तो ये मेरी इंस्पिरेशन है और एक सॉन्ग सबके लिए, दैट इज टू एंजॉय। बहुत बढ़िया। वो उन सबके लिए जिन्होंने ये हिम्मत दिया भाई साहब, बहुत सारे फेज ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते। तू मिले ये है कार्यक्रम की रियल सफलता। मैं उन सबके डेडिकेट करना चाहूंगा जो मतलब ये जो दो दिन उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया और एक दिन ऐसा बोला कि मेरे लायक कोई मिले तो मैं तैयार हूँ। वो बहुत बहुत मतलब मैंने ये फर्स्ट में मैसेज दिया है, दिस यंग जनरेशन वी शुड लर्न फ्रॉम दिस जनरेशन एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट माय शो। तुम मिले
2016 है और हरीश जी चौधरी का मैं स्वयं भजनपुरी प्रोडक्ट बनाता हूँ और नए आर्टिस्ट को प्रमोट करने का काम करता हूँ। ठीक है सर, और भी आपकी जो इच्छा है उस तरह की हम सफर आपको जल्दी मिल जाए यहाँ पर। सम्मेलन का दौर चल रहा है और यहाँ पर कई ऐसे प्रतिभागी आ रहे हैं कि जो अपना परिचय देने में भी कांप रहे हैं, तो कई प्रतिभागी ऐसे भी आ रहे हैं कि जो अपनी बातों से समाज को भी कपा रहे हैं। ऐसे ही प्रतिभागी हमारे साथ हैं जो समाज के लिए एक चुनौती पैदा कर रहे हैं कि समाज के पदाधिकारी क्या करना है उनको आगे भविष्य में, और किस तरह से इन युवा पीढ़ी को खेना है, यानी कि खेवन हार बनना है उनको। आप बताएं, आपका परिचय दें और क्या आपने मंच पे कहा था। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो मुझे ये मौका देने के लिए आपके चैनल पर। और मेरा मेन मोटो यही है कि सबसे पहले तो ये है कि युवा को हमेशा अपने आप के बारे में गुड फील फैक्टर होना चाहिए, और दूसरा कि जो मैंने स्टेज पे बोला यही था कि जो मेरे अंदर फियर था कि मैं उसी फेज से गुजरा कि शादी जल्दी हुई, डिसीजन प्रॉपर नहीं हो पाए, और अब मैं डर रहा था बोलने के लिए। लेकिन जब मैंने अपने ही कलीग को देखा जो लोग खुल के बोल रहे थे, मुझे मोटिवेशन आया और मैंने लोगों को बोला कि आप खुल के बोलिए और लीडर रहिए और हमेशा अपने डिसीजन को फॉलो करिए, माँ बाप की भी रेस्पेक्ट करिए, माँ बाप के साथ में रहने की कोशिश करिए और अपनी वाइफ को भी समझाइए, और नहीं समझ में आता है तो फिर अपने डिसीजन लेके माँ बाप की रेस्पेक्ट के साथ रहिए। ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन हम अपने आप में लें और अपने स्वार्थ को देखें। आज की जनरेशन को सबसे बड़ी यही सीख होनी चाहिए और स्टिल मोटिवेटेड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर अपने आप में आत्मविश्वास है, दुनिया आपकी रेस्पेक्ट जरूर करेगी, जैसे सर ने मेरा वीडियो लिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक सर। परिचय सम्मेलन हो रहा है और परिचय सम्मेलन में माता पिता के साथ में उनके पुत्र या पुत्रियां भी आई हैं और ऐसा ही परिवार हमारे साथ में है। आप बताओ क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहिए। मेरा नाम लोकेश चौधरी है जी, उदयपुर का लोकल रहने वाला हूँ जी, और ये परिचय सम्मेलन में फर्स्ट बार आया हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। परिचय सम्मेलन ऐसा होना चाहिए, समाज के अंदर आदमी को जागरूकता होनी चाहिए, तो एक दूसरे का पता लगेगा भाई ये अपने समाज के इनका रिश्ता ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे जागरूकता बढ़ेगी। आप बताओ ये परिचय सम्मेलन कितना सार्थक है आपके लिए। ये परिचय सम्मेलन सार्थक है अगर हमारा बेटी का काम और आगे भी दूसरे भी बच्चों का काम अच्छे से होता है यहाँ पर, और यहाँ से बच्चों को एक नई दिशा मिलती और हमारे समाज को भी एक नई दिशा मिलती है, तो ये सार्थक ही है। आप बताओ ये युवाओं के लिए किस तरह से अच्छा है, जो कोई भी अच्छा पढ़ रहा है, जो कोई भी अच्छा लिख रहा है या अच्छी वो उसमें क्वालिटी है, क्या इससे फ़ायदा मिलता है आपस में। यहाँ पे परिचय सम्मेलन में अपने हिसाब से भी देख सकते हैं आप लोग, आपको ग्रेजुएट लड़की चाहिए, आपको जॉब के लिए जॉब रिगार्डिंग गर्ल चाहिए, वो भी मिलेगी आपको यहाँ पे। आप बताओ आप क्या सोचते हैं आपके भविष्य के लिए, कैसा लड़का आपको चाहिए। मेरे जो पेरेंट्स ढूंढेंगे मैं उसी से करूँगी। अच्छा अच्छा जी, बताएं क्या कहना है, आपका नाम और क्या करना है। मेरा नाम रिचा पटेल है, मैं बांसवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर का नाम मनोहर पटेल है। ये मैंने मास्टर्स किया हुआ है एचआर के अंदर और अभी एज एन एचआर मैनेजर जॉब करती हूँ। ये समाज का जो सम्मेलन है ये एक है कि आप सबको कनेक्ट करके रखते हो और आपको आपका मन चाह हो सकता है कहीं ना कहीं से क्रॉस हो जाए, तो एक ये ज़रिया है, ये ज़रिया अच्छा ज़रिया है, हमारे समाज वालों को मिला के रखता है, एक जोड़ करके रखता है। आप बताएं आपने परिचय दिया है, कैसा लड़का आपको चाहिए और आपको क्या उम्मीद है। उम्मीदें तो बहुत सारी होती है सबको, अब मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो समाज के साथ उठता बैठता तो हो, लेकिन थोड़ा सा हमारा मेंटल स्टेटस मैच करता हो एक दूसरे के साथ में। प्लस मेरे को कोई ऐसा एकदम ऐसा नहीं चाहिए हाई फाई, जो हाई फाई सबको पसंद है सब एक्सेप्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल हाई फाई चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मेरी बेसिक चीज़ें जो मुझे ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि मैं अकेले उसके ऊपर डालूं, मैं भी कमाती हूँ, हम लोग मिल के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे समझदार मैच्योर लड़का चाहिए। देश भर में विभिन्न समाज हैं और अपनी संस्कृति के लिए ये समाज लगे हुए हैं भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ
अखिल भारतीय कलाल कलवार और कलार समाज का सम्मेलन हुआ है जिलों की नगरी उदयपुर में। और समाज जन आप देख रहे हैं हमारे साथ में खड़े हुए हैं और सभी के मन में यही है कि हमारा समाज खूब प्रगति करे और हम देश के लिए कुछ करें। आप बताओ क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय कलाल कलार और कलवार समाज के नाम से जो जाने जाते हैं उसका एक महासंघ बन के आज राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। इसमें आज हमारा युवक युवती परिचय सम्मेलन भी रखा है और हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं, जो कई आरएस बने हैं, कोई सीए बने हैं, स्पोर्ट्स में जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में जैसे हमारे सोनल है वो गई है, तो ऐसे कई लोगों का आज यहाँ पे प्रतिभाओं का सम्मान भी हो रहा है। राजनीति क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में जो देश के कोने कोने से लोग हैं वो आज यहाँ पर आए हैं। असम से लगाकर, गुवाहाटी से लगाकर, पंजाब से लगाकर, यूपी, बिहार, सब यहाँ से सदस्य आए हैं और आज हम सब लोग एक हुए हैं, एक दूसरे से परिचय भी कर रहे हैं ताकि हमारा एक दूसरे में आना जाना रहे। और हमारा समाज क्या है, हमारा समाज का गौरव क्या है, वो आज हमें हमारे सभी वक्ताओं ने हमें बताया। बहुत ही अच्छा, जिसके आप देख रहे हैं सभी समाज जन यहाँ पर हैं। और आप बताओ इस ऐसे सम्मेलनों से क्या क्या फल मिलता है? आज हम नई पीढ़ी बताना चाहेंगे कि हम इस समाज से जुड़े हैं, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, सामाजिक कार्यक्रमों में हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें ये भी पता चलता है कि हमारे समाज में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें हमें सम्मिलित होना है और काफ़ी अच्छा है हमारा कलाल समाज। आप बताओ महिलाओं के लिए और विशेष करके बालिकाओं के लिए किस तरह से उपयोगी है? बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी यहाँ पे नई आई हूँ, मुझे मैं यहाँ पे सम्मेलन में आई तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आगे तो और बात आप बताओ आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हमारी जो कलवार कल्चुरी समाज है ना, उसको जो सब कार्यक्रम होते हैं हमारे समाज में, उससे में हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको गौरवान्वित महसूस करती है और काफ़ी चीज़ें उसको समाज में क्या क्या हो रही हैं उसको हमें देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं। बेटी व्यवहार नहीं था तो फिर क्या है कि लड़कियों और लड़के की शादी में बहुत दिक्कतें आती थी, अब एकजुट हो गए हम तो अब शादी की समस्या नहीं आएगी। अखिल भारतीय कलवार कलाल कलार महा एक रुपया प्रतिदिन सिर्फ 365 रुपये प्रति वर्ष में आप इस संगठन की सदस्यता ले सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू है और मंच के बाई और इसका भी रजिस्ट्रेशन पूरा। मेरे समाज के आप सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा प्रणाम और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उदयपुर के बारे में बहुत सुना था, मैं फर्स्ट टाइम उदयपुर मतलब सिटी में आई हूँ, बाईपास से तो बहुत बार गई हूँ, तो मैंने सुना था यहाँ बहुत मान सम्मान मिलता है, वो मुझे आज मिला है यहाँ पर। प्रूफ भी किया आपने कि हाँ यहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया जाता है और आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। इतने ज़्यादा कैटेगरी में लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जगह जगह समाज के प्रोग्राम में जाती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि हमारे समाज में काम लोग आगे होकर, पहले जैसा माहौल अब नहीं है, सब लोग काम करना चाहते हैं, सब लोग जागरूक हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि हमारा समाज संगठित हो रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मैंने सभी प्रोग्राम में ये देखा कि सारे वरिष्ठ लोग ही काम करते हैं, युवा वर्ग आगे बहुत कम आता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी युवा लोग, जो भी युवा हैं, वो सब भी समाज के लिए काम करें और समाज को आगे बढ़ाएं। और जो हमारी फिल्म बन रही है, हमारे भी आप सबकी श्रद्धा अर्जुन जी पर जो फिल्म बन रही है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस फिल्म में सभी सहयोग करें क्योंकि एक जैन समाज का या छोटी जात का इंसान भी उनकी कास्ट के जो भी उनके आराध्य देव उन पर फिल्म बना सकता है, पर हमारा कला समाज तो इतना पावरफुल है तो क्या हम हमारे आराध्य देव पर फिल्म नहीं बना सकते? लोगों को दिखा नहीं सकते कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे आराध्य देव इतने शक्तिशाली हैं? तो आप सबका सहयोग चाहते हैं, धन्यवाद। अवसर माने
अपने आप को धार साफ करने का, अपने आप को चमकाने का अवसर माने और उसका सौभाग्य माने कि आज अपने यहाँ सब अपने आप को चमकाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सम्मानित मंच आईएम कलाम, तो बड़ा फख्र होता है अपनी जाति पे फख्र करना, यह भाग्यशाली लोगों का काम है। हम अपनी जाति नहीं छिपाएं, अपनी जाति को लगाएं। मैं पाली में कार्यक्रम में गया था चंपा लाल जी के वहाँ पर, इन्होंने जब जोधपुर अभी एडीएम था, मैं ओएसडी टू सीएम था अभी, तो मुझे इन्होंने इनवाइट किया था, मैंने बात कही थी इनको। कई लोग कहते हैं कि साहब मैं ब्राह्मण हूँ तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिल रही है, हमारा कोई नहीं है, हमें पोस्टिंग नहीं मिल रही है। कोई जैन है उसे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिल रही है, कोई और जाति का है उसके बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है तो उसको बहुत अच्छी पोस्टिंग मिल रही है। तो मैंने उस मंच पे मैंने कहा था कि भाई हमारा तो कोई बहुत बड़े बड़े पद पे कोई नहीं है, राजनीति में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ओएसडी टू सीएम हूँ। तब भी सीएम साहब ने मुझे अपना ओएसडी बनाया। इट मीन्स आप पूरी जाति का नाम लिख रहे हो। अगर सर्वोच्च स्तर पर देखो तो आपके व्यक्तिगत प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। आयन में चले जाओ, कोई ना कोई माली क्लर्क होगा, मैनेजर होगा, किसी न किसी पोस्ट पे होगा, कोई भी बैठे वो उस माली संस्था से निकला होगा। वहां पर रहना फ्री, खाना फ्री, कोचिंग फ्री, किताबें फ्री और एक आश्रम की तरफ शोरूम है इनके। मैं जाके कभी फोटोग्राफ दिखाऊंगा। मेरा वहाँ पर 3 दिन का सेशन हुआ था। आई एम हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर। हार्टफुलनेस मेडिटेशन का ट्रेनर होने के कारण मेरे कहीं से इंटरेक्शन होता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं कर सकते, लेकिन कोई बच्चा अगर अपने को ये फोन करता है कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है और कोरोना में भी मेरे पास पैसे मांगे जा रहे हैं, तो दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। मेरी करबल दिल ये विनती है, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत सारे तमाशा हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा कि वापस अपने बच्चों के लिए वापस सोचें और कुछ और बेहतर करने के बारे में विचार करें। थैंक यू सो मच। संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ, आपस में कलह हुई, तो से टुकड़ों से बनी है, उसमें भी कुछ दिनों बाद कलह होगा, फिर नई संस्था बन जाएगी। कितनी संस्था बनेगी और कितनी बार सम्मेलन होगा? आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो ये रोशन किया है, AIVBK के आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। श्री कृष्ण रवि चौधरी, डॉटर ऑफ श्रीमती कमला चौधरी एवं श्री दिनेश कुमार, इन्होंने विद्यालय सुरफलाय भी कार्यरत है। आपने अपनी मेहनत व भामशाहों के सहयोग से कई सरकारी विद्यालय का कायाकल्प किया है। ये जिस विद्यालय में जाते हैं वहाँ प्राइवेट विद्यालय के विद्यार्थी प्रवेश लेने आ जाते हैं और डॉक्टर सेवा देते हुए मैं अपने सिनेमा के प्रति रुझान को भी आगे बढ़ाने लग गए। इसी क्रम में उन्होंने वर्ष 2015 में अपनी स्वयं कंपनी यूके पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की स्थापना की, पर इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाल ही में उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द पॉपुलर ब्रिलियंट बियॉन्ड का निर्देशन तथा निर्माण किया है, जिसके स्क्रीन पर जो चेहरा और नाम आप देख रहे हैं वो शख्सियत है सुश्री कविशा सिंह का। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फोटोग्राफी द्वारा सम्मानित महसूस करता है। स्क्रीन पर जो श्री सुनील सिंह आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। बोलते हैं
श्री कृष्ण रवि चौधरी डॉटर ऑफ श्रीमती कमला चौधरी एवं श्री दिनेश कुमार इन्होंने विद्यालय सुलफलाया में कार्यरत है। आपने अपनी मेहनत व भामशाहों के सहयोग से कई सरकारी विद्यालय का कायाकल्प किया है। ये जिस विद्यालय में जाते हैं वहाँ प्राइवेट विद्यालय के विद्यार्थी प्रवेश लेने आ जाते हैं और डॉक्टर सेवा देते हुए वे अपने सिनेमा के प्रति रुझान को भी आगे बढ़ाने लग गए। इसी क्रम में उन्होंने वर्ष 2015 में अपनी स्वयं की यूके पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की स्थापना की व इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाल ही में उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द ब्रिलियंट बियॉन्ड का निर्देशन तथा निर्माण किया है। स्क्रीन पर जो चेहरा और नाम आप देख रहे हैं वो शख्सियत है सुश्री कविशा सिंह का। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फोटोग्राफी द्वारा सम्मानित महसूस करता है। स्क्रीन पर जो श्री सुनील सिंह वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उदयपुर एवं एआईसीसी मेंबर रहकर समाज का नाम रोशन किया है। संस्थापक राजस्थान फिल्म कला एवं सेवा संस्थान जलद जी को वहाँ पर बीटिंग रिट्रीट में मार्च पास्ट के लिए बुलाया गया और बच्चों के पुरस्कार माता पिता लेते हैं। अगली कड़ी में मैं श्री भानु जी सुहालका को बुलाना चाहूंगी कि कृपया हमें सम्मानित करते हुए हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। समाज को आपका गर्व है और समाज का नाम आपने रोशन किया है। एआईडीबी के आपको सम्मानित करते हुए और सुक्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और इनके बाद श्री आत्मन जी जायसवाल इन्होंने खेल वो भी है भारतोत्तोलन यानी श्री खेल दिखाया है। श्री सारियन जी सोहाल का सुपुत्र राजकुमार जी सोहाल का इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुपुत्र हरदेश जी सोहाल का ये युवा उद्यमी है इनको भी सम्मानित करते हुए हमें गौरव की अनुभूति हो रही है और मैं आग्रह करूंगी कि कृपया मंच पे बता रहे। हमें पूरा विश्वास है कि जब अगली बार हम अति विशिष्ट प्रतिभा सम्मान कितने सिलेंडर भिजवा दिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क था। थैंक यू सो मच जगदीश जी नरेश जी पूर्णिया साहब साहब की अनुज भ्राता है और सभी आयोजन समिति की भी बाकी है ना तो उनके लिए भी विशेष सहयोगी सम्मान उन्होंने यहाँ पर रामेश्वर की विजयनगर अतिथि सम्मान के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आगे आए। और अब वो नाम के अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो सुबह से आप लोगों के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सुबह से नहीं कई महीनों से मैं नामों की घोषणा कर रहा हूँ। लीना जी जायसवाल मधुबाला जायसवाल जल्दी आ जाए फटाफट। ओके थैंक यू। हेलो भगवान की जय। अरे अपने में तो बहुत ताकत अच्छी है अभी तक अपने में से आवाज आनी चाहिए बोल भगवत भगवान की जय। भगवान की जय। हेलो करता हूँ इसके बाद हमारी एक बहन है गमछा पहना करके उनका स्वागत करना चाहता हूँ और चूंकि हमारे अध्यक्ष महोदय आसाम से ही हैं साथ ही साथ मैं अब जरा आप लोगों के एक बार थोड़ा कीजिए हमारे जयदीप गुप्ता जी हैं असम से आए हैं
और उन्होंने बहुत उत्साह से श्रद्धा से और भाइयों और बहनों आसाम से आया हूँ मैं उस जगह से Thank you so very much for being a wonderful part of this. श्री प्रकाश सागवाड़ा से हैं हमारे दिलीप जी नजीर कलाल श्री दिनेश भाई कलाल अहमदाबाद हैं दिनेश बार बार पीछ करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित करवाया आपको भी राजस्थान की टीम बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करती है और हमारा सौभाग्य है कि आप भी महानुभावों का हमारा राजस्थान की वहां का सहयोग कर रही है अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड सचिव हैं राष्ट्रीय सचिव हैं चुना है लेकिन वो इस महासंघ में राष्ट्रीय सचिव की निभा रहे हैं हमारी छोटी सी भी छोटी मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो कोई भी मीडिया हो उसमें तुरंत ही दूसरे दिन हमको देखने में उदयपुर में मैं उनके मीडिया इनके बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया में हलचल मचाने वाले सही में मैं तो दंग रह गया हम सब क्या है और वो शानदार मेहमान नवाजी करवाई है और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राजस्थान महिला प्रभारी ऐसी श्री भावना सुहाल जी भावना सभी महिलाएं सभी मेहमानों को मैं स्वागत किया जाए श्री भावना सुहाल